हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ये ब्रोकेट का कपड़ा लिया है और 80 सेंटीमीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। मेरा ब्लाउज ये स्लीवलेस है, आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी जोड़ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से सिंगल फोल्ड में एक फोल्ड में इस तरह से रख दिया है। ये साइड फोल्डेड है, ये साइड ओपन है। ऊपर मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है। ब्लाउज की जो रेडी नाप है मेरे इस मेजरमेंट में वो आएगी 14 इंच की, यानी कि 14 इंच की। और नीचे मैंने 1 इंच का कपड़ा और लिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो 1 इंच लंबा होता है बैक पार्ट से, और उसके नीचे आधा इंच का मार्जिन मैंने दबाने के लिए लिया है। अब मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर्स मेरे मेजरमेंट में है 6 इंच, तो 6 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब आर्म होल्स के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ से नीचे पे ही आर्म होल्स भी मैं 6 इंच के ही ले रही हूँ, तो 6 इंच पे आर्म होल्स के लिए निशान लगाया। अब इन पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। बस्ट मेरे मेजरमेंट में है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हुआ 8 इंच, तो 8 इंच पे यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है और इसको भी आर्म होल वाले पॉइंट पे मिला देना है। अब मैं कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। कमर मेरे मेजरमेंट में है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हुआ 7 इंच, तो 7 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगाया है। तो अभी मैं इसको हल्का सा रफली ज्वाइन कर देती हूँ इसको ऊपर पे। अब यहाँ पर हमारी इस तरह से यहाँ पे कटिंग होती है, जो प्रिंसेस कट हमारा फ्रंट में होता है वो। तो उसके लिए 1 इंच यहाँ पर दबेगा, तो मैं यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बस साइज में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और यहाँ पर कमर वाले हिस्से में भी हमारे कटिंग होती है और फिर से सिला जाता है, तो एक डार्ट वहाँ पर भी आती है, तो 2 इंच की डार्ट मेरी वहाँ पर आएगी। तो 2 इंच कपड़ा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ कमर वाली साइड में। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगाती हूँ। तो नेक विड्थ मेरे मेजरमेंट में है 2.75 इंच। अब ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है, इसको आधा इंच नीचे से हमने ऊपर नेक विड्थ वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देना है शोल्डर स्लोप के लिए। अब कमर में फोल्डेड वाली साइड से 4 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और इसके ऊपर को भी 4 इंच पे ही निशान लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे का आधा इंच का मार्जिन इंक्लूड नहीं किया है, तो वहीं से आप वैसे ही मार्किंग करें। अब ये जो लाइन हमारी आई है, इसके दोनों तरफ पे 1-1 इंच पे हमने एक निशान लगाना है, यानी कि टोटल 2 इंच हमारा ये बन गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके सिल देंगे। अब यहाँ से अंदर को 0.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको ऊपर पे ज्वाइन कर देना है। ये फ्रंट के आर्म होल के लिए मैंने किया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। अब हमें आर्म होल का सबसे डीपेस्ट पॉइंट लेना है, जो सबसे गहरा वाला पॉइंट आपको दिख रहा है वो लीजिए, और नीचे हमें इसको हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमें इसको बनाना है। और साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन मैं ऐड कर रही हूँ, और अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। आर्मोस में आप थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। मैं इसमें कोई भी मार्जिन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ साइड में मैं मार्जिन ले रही हूँ। अब इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी यही मेजरमेंट को ट्रेस कर देना है। ये देखिए, इसमें मेजरमेंट आ गया है दूसरी साइड पे भी, और इसको अब चौक से मैं डार्क कर देती हूँ। अब ये जो हमारी मार्किंग है, इसको मैं कट नहीं करूंगी, इसको मैं डायरेक्टली सिलूंगी। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा कट होता है, यहाँ पर हम नॉर्मली प्रिंसेस कट में इसको कट करते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने से क्या होता है, हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 इंच कपड़ा इसीलिए मैंने बढ़ाया है, और कमर में भी ये हिस्सा हमारा कटेगा या सिलेगा तो कपड़ा हमारा, कमर छोटी हो जाएगी, तो छोटी ना हो उसके लिए 2 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। अब इसके नेक पार्ट की भी मैं कटिंग कर देती हूँ, और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर स्लोप कट करना है। अब मैं बैक पार्ट के लिए कटिंग करूंगी। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को एक फोल्ड में इस तरह से रखा हुआ है। ये साइड फोल्डेड साइड है और ये साइड ओपन साइड है। टॉप में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, और ये हमारी फोल्डेड वाली साइड में भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, क्योंकि हमारा बैक ओपन है तो उसके लिए कपड़ा छोटा ना हो जाए, इसके लिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड किया है यहाँ पर। अब जो भी मार्किंग हमारी स्टार्ट होगी, वो जो हमने 1/2 इंच की लाइन खींची थी उससे स्टार्ट होगी। ये देखिए आप। और अब मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। शोल्डर्स हैं 6 इंच के। अब
आर्मोल्स के लिए निशान लगाना है। आर्मोल्स भी हमारे चेंज के ही थे, तो यहाँ पे चेंज पे इस तरह से निशान लगाया। अब बस के लिए, बस थी हमारी 32 इंच, 32 का 1/4 हुआ 8 इंच। लेकिन फ्रंट में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच का कपड़ा नहीं बढ़ाएंगे, जैसे हमने फ्रंट में बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है हमें इसमें। कमर थी 28 इंच, 28 का 1/4 हुआ 7 इंच। और लेकिन यहाँ पर बैक में हमारी डार्ट आती है 1 इंच की, तो यहाँ पर हम 1 इंच का कपड़ा बढ़ाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, जैसे फ्रंट में हमने किया था। और अब यहाँ से ऊपर को भी 4 इंच पे निशान लगाना है एक। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसके दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, ये आधा आधा इंच हमने लेना है। और इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरह से डार्ट सिली जाएगी, 1 इंच कम हो जाएगा, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा बढ़ाया है। अब बैक का आर्महोल कर्व बनाना है हमने। नेक की विड्थ थी हमारी 2.75 इंच और गले की डीपनेस मैं यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। अब हमें नेक का शेप बना देना है। आपको जैसा भी शेप चाहिए आप उस तरह का डिजाइन इसमें बना सकते हैं। मैं राउंड शेप बना रही हूँ, तो ये मेरा नेक का शेप बन गया है। और अब साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हमने ऐड करना है और इसकी कटिंग करनी है। अब ब्लाउज का जो यहाँ पे ओपन पार्ट है उसको भी हमें कट करके ओपन कर देना है। तो ये देखिए, हमारे बैक के 2 पार्ट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब ये जो हमने फ्रंट और बैक के पार्ट अभी कट किए हैं, सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर देना है। अब ये फ्रंट और बैक के पार्ट्स की भी मैंने मेन फैब्रिक में कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको सिलना कैसे है। तो इसका जो यहाँ पर कटिंग है, इसकी कटिंग मैंने नहीं करी है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को हल्का सा 5 नंबर की सिलाई से अटैच कर दूंगी। ये मैंने कर दिया है, देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग को मैंने सिल दिया है। और अब मैं इसकी सिलाई करूंगी ये वाले पार्ट की। तो इसको हमें सेंटर वाली लाइन से इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो लाइन आपको दिखेगी इसमें हमें सिलाई लगानी है और बाकी के साइड को हमें इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच की दूरी पे सिलना है। फिर आगे को इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच की दूरी पे सिलना है। फिर इसको ऐसे पकड़ना है और आधा इंच की दूरी पे सिलना है। ये जो हमारी लाइन मार्क करी है इस पे हमें सिलना है। तो ये देखिए, ये सेंटर वाली लाइन है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ा ये और ऐसे करके फोल्ड करके रख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं सिलना स्टार्ट करूंगी। तो ये जो लाइन है इस पे, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाए। इस लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर तक ऐसे करके मैंने सिला। अब यहाँ पर जैसे आधा इंच की दूरी आई पे, आधा इंच की दूरी से हमें इस लाइन पे सिलना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, चौक से जो लाइन दिख रही है इस लाइन को हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, इस लाइन को इस तरह से हमने पकड़ना है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है इस तरह से। आगे को भी हमें इसी लाइन को इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर से इसी तरह से हम इसको पकड़ना है। लेकिन इससे पहले आप अंदर देख लीजिए कि इसके कपड़े में झोल ना आए। तो कपड़े को अच्छे से फ्लैट करते हुए इस लाइन को हमने पकड़ना है और ये आधा इंच पे सिल देना है। यहाँ पर भी इस लाइन को पकड़ा इस तरह से और ये आधा इंच पे हमने इसकी सिलाई लगा दी। देखिए, तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था और यहाँ से आधा इंच की दूरी पे मैंने, ये देखिए ऊपर को आधा आधा इंच की दूरी पे मैंने सिला हुआ है। और राइट साइड से ये इस तरह से आएगा, लेकिन आपको इसमें प्रेस करने पड़ेगी ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्रेस कर दी है और इसमें लगभग फिनिशिंग आ गई है। तो जैसे हमने ये सिला है ये वाला पोर्शन, सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसमें सिल देनी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडें सिल दी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमने आधा इंच पे सिला था यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उसको ठीक करने के लिए आप इसमें एक सिलाई और लगा दे अंदर को। थोड़ी सी दूरी से स्टार्ट करते हुए हमें इसको सिल के बराबर कर देना है।
ये कोई उतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि पहन के ये बिल्कुल ठीक दिखता है। तो दोनों साइड अगर ऐसी हो रही है तो आप इसको सिल दें। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सिल दिया है और अब ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप आ गया है, बिल्कुल अच्छा सा शेप आ गया है, परफेक्ट वाला। अब इसमें हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो ये देखिए कपड़ा इधर को करके उसी साइड पे, जिस साइड पे कपड़ा होगा उसी साइड पे हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है, इससे फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पे टॉप स्टिच लगा दी है। अब मैं इसका बैक पार्ट बनाती हूँ। तो मैंने बैक पार्ट में भी लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर रखा है। दोनों साइड को हम इस तरह से लेंगे और ये देखिए इसमें जो हमारी डार्ट है, ये बैक साइड में जो डार्ट है, पहले हम इसको सिल लेंगे। तो इसको सिलने के लिए भी बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से इस तरह से पकड़ना है और इसमें जो भी हमारा शेप बना है चौक से उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा दिखेगा और इसमें आप प्रेस कर दें। और दूसरी साइड भी ये देखिए मैंने दोनों साइड बना ली हैं और इसमें हमें अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब मैं प्लेकेट बनाऊंगी। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है। तो सबसे पहले मैं प्लेकेट ये राइट हैंड साइड वाले का बना रही हूँ। तो इसकी लंबाई तो जितनी ओपन है, बैक ओपन है, उतनी होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली हुई है। ये मैंने आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड वाले का प्लेकेट बनाती हूँ। तो उसके लिए कपड़े को इस तरह से यहाँ पे हमें रखना है और इसमें स्ट्रेट हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए एक के ऊपर एक इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हमें सिल देना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको बिल्कुल कपड़े को, जितना भी कपड़ा है ये देखिए, इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है, ये यहाँ पर इस तरह से, और पीछे साइड को एक फोल्ड और कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कपड़ा आगे को नहीं बढ़ा हुआ है। तो राइट साइड में हमने इसी तरह से बनाना है और यहाँ पर हमें इसके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, टॉप स्टिच लगा दी है और बैक साइड में इसको हमें यहाँ से हाथ से तुरपाई कर देनी है और फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखेगा। अब दूसरी साइड के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने ये पट्टी ली है चौड़ी, ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको भी हमें यहाँ पर से स्ट्रेट लाइन से सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सिल दिया है एक साइड से। अब हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन हमारा 1 इंच बाहर को रहता है, तो उसके लिए हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है। एक फोल्ड हम कॉर्नर में 1/2 इंच का करेंगे और इसको उठा के ये जो सिलाई आपको दिख रही है ना यहाँ पर, इस सिलाई के ऊपर रख देना है इस तरह से। तो ऐसे रखने के बाद आप देखेंगे कि आगे हमारा कपड़ा लगभग 1 इंच करीब बढ़ गया है, इसीलिए मैंने कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लिया था। तो अब हमें इसके कॉर्नर में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और ये प्लेकेट बन गया है। ये देखिए ये वाली साइड का, राइट हैंड साइड का हमारा 1 इंच बड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड का बिल्कुल फिट है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बड़ा है और ये एक के ऊपर एक हमारा इस तरह से बनता है। अब मैं अपना फ्रंट का पार्ट ले रही हूँ ये वाला और इसके ऊपर हमें बैक के पार्ट्स रखने हैं, दोनों के राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए और शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा शोल्डर हमारे ऊपर को आ गए हैं। तो ये देखिए ये ऊपर को हमने जो कट लगाया था, ये जो सिलाई लगाई थी उसकी वजह से आया है। तो इसको हमें बराबर करना है, तो इसको हम कटिंग करके बैक वाले आर्म होल के बराबर कर देंगे। दोनों साइड से हमें इसको इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसके हमें दोनों शोल्डर्स ज्वाइन कर देने हैं। ये देखिए मैंने इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं और अब इसको ओपन करके हमें इसकी जो नेक लाइन है इसमें पट्टी लगानी है, पाइपिंग लगानी है, और उसके बाद इसके जो आर्म होल्स है उसमें भी पाइपिंग लगानी है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका नेक बना दिया है, आर्म होल्स बना दिए और साइड भी ज्वाइन कर दी है। अब इसके नीचे में हमें पट्टी लगानी है, तो मैंने ये पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करके मैं इसको अंदर को फोल्ड कर दूंगी और ये ब्लाउज बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके नेक में लेस लगा दी है, इससे बहुत अच्छा लुक आ गया है। थोड़ा डिजाइनिंग के लिए मैंने इसके नेक में लेस लगाई है और बैक साइड से आप देख सकते हैं इसमें हुक और आई भी मैंने बना दी है और ये ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो गया है।